एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ध्यान आगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ प्लैनेट इज सेम एज एट डेप्थ कैपिटल आर। वो कह रहे हैं जी एक प्लैनेट है, इस प्लैनेट की जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो अलग अलग किस्म की डेंसिटीज हैं। आर डिस्टेंस तक डेंसिटी प्लैनेट की रो वन है और अगले पोर्शन में डेंसिटी रो टू है, तो अलग अलग मटीरियल भर रखा है। वो कह रहे जो सरफेस के ऊपर जी की वैल्यू आएगी और आर डिस्टेंस नीचे आएगी वो जी की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, तो बताओ रो वन रो टू की रेशियो क्या है। रेशियो बाद में निकालते हैं, पहले जी निकाल लें। तो अगर मैं पूछूं कि यहां पर स्मॉल जी क्या है, तो स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी कैपिटल जी कैपिटल एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब यहां पर मास दो दो होंगे क्योंकि डेंसिटी दो दो है, तो टोटल मास प्लैनेट का क्या होगा, इसका मास एम वन प्लस इस शेडेड का मास एम टू, तो जी एम वन प्लस एम टू। और यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस में निकल रही है, तो सरफेस की दूरी यहां से कितनी है, टू आर, तो टू आर का स्क्वायर। कोई डाउट इसमें, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला लगा दिया। अब अगर यहां पे कोई पूछे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है इसके इनसाइड जाके, तो क्या होगी, जी कैपिटल जी मास क्या लें, सिखाया था जब आप अर्थ के अंदर चले जाते हो यहां पे, तो कौन सा पोर्शन अर्थ का आपको अट्रैक्ट करता है, अंदर वाला। अगर आप यहां खड़े हो तो ये वाला मास बाहर वाला नहीं करता, बताया था फर्स्ट लेक्चर में भी। तो जब आप अर्थ के अंदर चले जाते हो, मान लो आप यहां पे हो, तो इतना पोर्शन ऑफ अर्थ आपको अट्रैक्ट करेगा, तो जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, कैपिटल जी कैपिटल एम वन डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर आएगा, यहां पे आर नहीं है, करेक्शन करो, यहां आर स्क्वायर आएगा। समझ में आ रहा है जी की वैल्यूज कैसे निकली, ठीक है यहां तक, बस उसके बाद कुछ नहीं है, थोड़ा सा मैथ्स है। इसका मास कैसे निकलेगा एम वन का, इसका वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू इसकी डेंसिटी क्या है, रो वन। फिर ऐसी ये देख रहे हो, इसका वॉल्यूम क्या है, 4/3 आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, 4/3 पाई 2R³ माइनस आर क्यूब, और इंटू इसकी डेंसिटी क्या है, रो टू। गुड आउट इसमें, तो मास आ गया एम वन एम टू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस तो पता ही है 2R² है। ऐसी यहां पर भी करेक्शन कर लेना, जी एम वन बाई आर स्क्वायर है और एम वन की जगह वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो ये आपके पास जी की वैल्यू कहां पर आ गई, सरफेस पे, ये आपके पास जी की वैल्यू कहां आ गई, कैपिटल आर पे। वो कह रहे दोनों वैल्यूज बराबर हैं, दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर लेना, मैथ अपना अपना लगा लेना, मैथ रो वन रो टू का आंसर आएगा, मैंने सॉल्व नहीं किया। तो मेडिकल वालों को इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, कॉन्सेप्ट सीख लें, कोई छोटा तोड़ के क्वेश्चन आ जाए मैं कह नहीं सकता, इतना बड़ा नहीं आएगा, मेंस में तो आया हुआ है, तो मतलब ये भी नहीं कह सकता कि मुश्किल है, मुश्किल क्या, वहीं से उठाया मैंने, मेंस के पुराने पेपर से उठाया। तो आपको आइडिया समझ में आ रहा है कि लेकिन लॉजिक करना क्या है, कैलकुलेशन की कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठ के जब प्रीवियस ईयर पेपर दूंगा वहां से मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। मिलता जुलता क्वेश्चन फिर से आया मेंस में, नीट में नहीं, मेंस में, आप सीख लो दो मिनट करना क्या है इसमें, कॉन्सेप्ट ऐसा ही है। नीट में थोड़ा आसान आता है, नीट में तो ग्राफ प्लॉट करने आते हैं, फॉर्मूला लिख दो, ग्राफ प्लॉट कर दो, इतना ही है।
देखो इस क्वेश्चन को एक बार देखो, इंपॉर्टेंट इसमें यह है क्वेश्चन को रीड कैसे करना है। देखो आपको ना कोई फिगर नहीं गिवन होगी, सिंपल एक स्टेटमेंट गिवन होगी, अ नॉन होमोजेनियस स्फीयर। होमोजेनियस का मतलब डेंसिटी एक जैसी है, बराबर है। नॉन होमोजेनियस का मतलब डेंसिटी वेरी कर रही है, तो डेंसिटी चेंज हो रही है। वो कह रहा है डेंसिटी डी नॉट है जब डिस्टेंस आर लेस देन इक्वल टू ए बाई थ्री है, ठीक है, और डेंसिटी डी नॉट बाई टू है अगर डिस्टेंस ए बाई थ्री और ए के बराबर है, इसके बीच में है, तो आखिरी डिस्टेंस क्या है ए। इसका मतलब ये स्फेयर का रेडियस क्या बनेगा, लास्ट ए, तो ए स्फेयर है। ए स्फेयर के अंदर आर लेस देन इक्वल टू ए बाई थ्री, मान लो ये डिस्टेंस ब्लू कलर का क्या है ए बाई थ्री, ए बाई थ्री के अंदर अंदर अगर आप हो तो डेंसिटी कितनी है डी नॉट है, और अगर आप ए बाई थ्री और ए के बीच में हो, ए बाई थ्री और ए के बीच में हो, तो डेंसिटी यहां पर कितनी है ब्लू और पिंक के बीच में डी नॉट बाई टू। तो ये फिगर समझ में आ रही है, तो अंदर के पोर्शन की डेंसिटी डी नॉट है और ये वाले पोर्शन पूरे की डेंसिटी कितनी है डी नॉट बाई टू है, ठीक। तो ये फिगर आपको खुद बनानी है। ज्यादातर ऐसे प्रॉब्लम मेन में आती है, मेन्स वालों को आदत है ऐसे स्टेटमेंट देने की, नीट वालों को आदत नहीं है। नीट वाले सिंपल स्टेटमेंट है, नीट वाले में इतना कॉम्प्लेक्स नहीं आता, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा, ये क्वेश्चन भी मेंस वालों के लिए ही है, एनसीईआरटी का है नहीं, नीट वाले सुन सकते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझे सफिशियंट है। तो इसके अंदर क्या निकालना है आपको, वैल्यू निकालनी है, ई निकालना है आपको, ई निकालना है कहाँ पे, एट अ डिस्टेंस ऑफ ए बाई टू। ध्यान से देखना आप, ये सॉलिड स्फीयर है, ए बाई टू कहाँ एग्जिस्ट करता है, ए बाई थ्री से बड़ा होता है ए बाई टू और ए से छोटा होता है, तो ए बाई टू कहीं यहाँ कहीं होगा, तो आपको इस पॉइंट पर क्या निकालना है, ई की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है यहां तक, ई निकालने। अब ई की वैल्यू अगर आपको यहां पे निकालनी है एट अ डिस्टेंस ऑफ ए बाई टू, ये देखो अगर आपको यहां पे ई निकालना है तो ई का फॉर्मूला क्या होता है, जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वेयर। अब आर में क्या आएगा, हम कहां पे निकाल रहे हैं ए बाई टू पे, तो ए बाई टू का स्क्वायर, जी एम बाई ए बाई टू का स्क्वायर। अब मास क्या लेंगे, वही सेम रूल, जहां पर आप खड़े हुए हैं इसके अंदर का मास लेना है, ये पूरे का पूरा मास आएगा जो ई लगाएगा, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक, तो ये मास आएगा, ठीक है। तो मास क्या आएगा, आप ए बाई टू पे खड़े हुए हैं तो ये पूरे का पूरा मास आएगा इसके नीचे का, ठीक। अब ये मास में होगा क्या, इस मास में एक तो ये मास होगा, ये मास क्या होगा, इतने पोर्शन का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कितनी डी नॉट, और एक इतने पोर्शन का मास होगा, ये मास क्या होगा, आउटर वॉल्यूम जिसका रेडियस ए बाई टू है माइनस इनर वॉल्यूम जिसका रेडियस ए बाई थ्री है। ये देखो 4/3 पाई ए बाई टू का क्यूब माइनस 4/3 पाई ए बाई थ्री का क्यूब, तो शेडेड ये वाला आ जाएगा ना, जिसकी डेंसिटी कितनी है डी नॉट बाई टू। इस पूरे मास को उठा के यहां पुट करके ऑप्शन वहां कर लेना, आंसर आएगा। सारी गेम इसमें मास की है, मैंने नहीं कि ABCD में करना, समझ में आ रहा है करना क्या है, इसमें लॉजिक समझ में आ रहा है। एक ही लॉजिक है भाई कि जहां आप अर्थ के सरफेस के अंदर खड़ गए ना, बस उसके अंदर का मास लेना है, बाहर का लेना नहीं है। बस वो मास निकालने का काम फ्रिक्स नहीं करती, वो मैक्स वाले करते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करते जाओ, वॉल्यूम निकालते जाओ, आंसर आ जाएगा, ठीक है।